पौड़ी जिले में थलीसैंण महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है। इस मौके पर कैबिनेट व उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस महोत्सव में शिरकत की, साथ ही कई योजनाओं की सौगात जनता को दी। इससे पहले धन सिंह रावत ने 12 लाख की लागत से बनने वाले ओपन जिम का शिलान्यास किया, जबकि थलीसैंण को नगर पंचायत बनने पर 46 करोड़ की लागत रुपए नगर पंचायत कार्यालय को दिए। वहीं थलीसैंण मुख्यालय में आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, ब्लॉक प्रमुख मंजू रावत, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नरेंद्र रावत ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर आयोजित महोत्सव में थलीसैंण की ग्राम सभा की महिला मंगल दलों और विद्यालय की छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। पौड़ी से मुकेश भचेती की रिपोर्ट। थलीसैंण में लगभग 116 करोड़ रुपए मैंने दे दिए और पहली बार थलीसैंण को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है और अभी थलीसैंण महोत्सव भी हम पहली बार कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों की बहुत डिमांड थी कि यहाँ पे एक ओपन जिम होनी चाहिए, एक इंडोर जिम होनी चाहिए, तो वो भी हमने दे दी है। यहाँ पे पानी की भी किल्लत थी तो लगभग 6.5 करोड़ रुपए की लागत से हम पानी दे रहे हैं यहाँ पे। और मैं कह सकता हूँ कि 25 करोड़ रुपए की लागत से हम यहाँ पे डिग्री कॉलेज में ऑडिटोरियम बना रहे हैं, महिला छात्रावास बना रहे हैं और लड़कों का छात्रावास बना रहे हैं, वहाँ पे आईटी लैब बना रहे हैं, हर प्रकार की सुविधा इस मॉडल कॉलेज को दे रहे हैं। ताकि क्षेत्रीय जो कलाकार हमारे जो युवा हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनको एक मंच मिल सके और उनके प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं।